तो हम लोग शुरू करते हैं एक्टिनॉइड्स। एप ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे थे। एप ब्लॉक एलिमेंट को दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं, है ना, दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड 4F सीरीज का है और एक्टिनॉइड्स 5F सीरीज का है, ठीक है। तो हम लोग लेंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ लिए थे, एक्टिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिनॉइड्स का जो केमिस्ट्री है, दे आर मोर लाइक एक्टिनॉइड्स, द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज लाइक केमिस्ट्री ऑफ व्हाट। एक्टिनॉइड का केमिस्ट्री जो है वो लेंथेनॉइड के केमिस्ट्री के जैसा ही है। द केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स आर वेरी मच सेम। देयर विल बी लिटिल बिट डिफरेंस। डिफरेंस का कारण भी क्या है, क्या क्या डिफरेंस है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक्टिनॉइड्स में हम लोग जनरल कैरेक्टर्स में क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा इसमें, जैसे लेंथेनॉइड के लिए हम बताए थे क्या, लेंथेनॉइड का हम लोग पढ़े थे एन माइनस टू एफ, कितना, एक से लेकर 14, और कभी कभी ये जीरो भी हो जाता है। और एन माइनस वन, कितना, डी जीरो से टू, और ये कभी कभी जीरो भी होता है आयन में, इसलिए जनरली तो 1 to 14 और एन एस 2। और ये n का वैल्यू अगर 6 है तो ये लेंथेनाइड है, और n का वैल्यू अगर 7 है तो वो क्या है, एक्टिनाइड्स है, ठीक है, ये एक्टिनाइड। तो और लेंथेनाइड में इसके पहले क्या होता है, जेनोन होता है, लेकिन एक्टिनाइड्स में इसके पहले क्या होगा, जेनोन के जगह क्या हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा, बाकी सभी चीज सेम। एक्ट लेंथेनाइड में क्या है, जेनोन, इसके पहले जेनोन, और एक्टिनाइड्स में इसके पहले क्या हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स एंड देयर आयन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हम लोग क्या लेते हैं कि n माइनस टू एफ जीरो से लेकर 14, n माइनस वन डी जीरो से लेकर 2 और एन एस 2, ये चीज फिक्स रहता है हर जगह। देखिए ये ऑलरेडी फिक्स है, ये हर जगह फिक्स है। चेंज क्या होता है, बाकी कंडीशन में, यहाँ 0 से 14, यहाँ 0 से 2। देखिए यहाँ इन जनरल 1 लिखा रहता है, तो देखिए यहाँ 1 है, 1 1, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर इधर 1, इधर 0, फिर इधर ऐसे 0 ही है। वो या तो F में चला जाता है स्टेबलाइज होने के लिए, F में ही वो शिफ्ट कर जाता है। तो उसका प्लस 3 आयन का भी कॉन्फ़िगरेशन और प्लस 4 का भी कॉन्फ़िगरेशन दिया है। एक्टिनियम प्लस 4 स्टेट में कोई आयन का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये लेंथेनाइड की तरह ही इन जनरल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनॉइड्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ लेंथेनॉइड्स। वो बताए थे कि जनरल वही कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें केवल क्या चेंज होता है, एन का वैल्यू केवल चेंज होगा, है ना, इसमें केवल एन का वैल्यू चेंज होगा, और यहाँ एन का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो 7 माइनस 2 5F, ये 4D, ये 6D और 7S। द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स 4F और 5D सबसे इन लेंथेनॉइड, वेयर एज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स 4F के जगह क्या हो जाएगा, 5F, और या 5D के जगह
सिक्स डी, एन का वैल्यू एक एक बढ़ गया, ठीक है। दस लेंथेनॉइड्स मे बी कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ फोर एफ सीरीज, वेर एज एक्टिनॉइड्स मे बी कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ फाइव एफ सीरीज। जैसे था ना, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग चार सीरीज में बांटे थे, थ्री डी सीरीज, फोर डी, फाइव डी, सिक्स डी, है ना। तो उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अगर 4f में जाएगा तो 4f सीरीज, जिसमें लेंथेनॉइड्स आएंगे, और एक्टिनॉइड्स क्या हो जाएगा, 5f सीरीज का एलिमेंट होगा। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई एकदम बिल्कुल लेंथेनॉइड जैसा ही। लेंथेनॉइड में क्या था, लेफ्ट टू राइट जैसे जैसे जा रहे थे, लेफ्ट टू राइट है ना, पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे जा रहे थे, क्या हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में इंटर होता जा रहा है, और न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन बढ़ता जा रहा है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ने से वो चाहेगा एटम के साइज को कॉन्ट्रैक्ट करने का, एटम के साइज को छोटा करना चाहेगा, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एफ में जाता है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट से साइज को बड़ा करना चाहेगा, लेकिन एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेटेड होने से और बड़ा होने से उसमें इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादा फैल जाते हैं, वो कम स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो एटॉमिक नंबर हावी हो जाएगा, इसलिए उसका साइज क्या होगा, ग्रेजुअली घटता चला जाएगा। तो लेंथेनॉइड में लेफ्ट टू राइट जाने से साइज में जो ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा था उसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ एक्टिनॉइड्स, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द एक्टिनॉइड सीरीज द इलेक्ट्रॉन विल इंटर इन 5f ऑर्बिटल, 5f में बढ़ता चला जाएगा, और न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी चाहेगा न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन बढ़ रहा है ये क्या करेगा, एटम को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, लेकिन 5f में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के द्वारा साइज को बढ़ाना चाहेगा। लेकिन ये दोनों क्या हो जाता है, ये दोनों यहाँ पर दोनों में कंपैरिजन होगा तो एटॉमिक नंबर डोमिनेंट होता है, और एटॉमिक नंबर डोमिनेंट होने के वजह से क्या होगा, एटॉमिक नंबर डोमिनेंट होने के वजह से साइज में कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो एक्टिनॉइड्स में भी लेफ्ट टू राइट अगर जाइएगा तो एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा, इसको क्या कहा जाना चाहिए, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि 4f की तुलना में 5f का साइज क्या होगा, और बड़ा होगा। एक्चुअली होता क्या है, ऑर्बिटल छोटा होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन भरेगा तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होगा, जब डेंसिटी ज़्यादा होगा तो रिपल्सन ज़्यादा क्रिएट करेगा, लेकिन ऑर्बिटल बड़ा हो गया तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो उसमें फैला हुआ रह जाएगा तो रिपल्सन होगा नहीं। तो 4f की तुलना में 5f का साइज और बड़ा है तो वहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, तो वहाँ जो कॉन्ट्रैक्शन है लेंथेनॉइड की तुलना में और ज़्यादा हो जाएगा। सो ये याद रखिएगा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दो तीन बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक्टिनॉइड का केमिस्ट्री लेंथेनॉइड से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, वो भी एक, और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा होता है ना। दिस इज बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एंड देर इज़ ए पुअरर शील्डिंग बाय एफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड में एफ के जगह केवल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5f भी लिख दे सकते हैं, कि 4f की तुलना में 5f में शील्डिंग पुअर होता है, इसीलिए वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हावी होता है और साइज में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, समझ गए। आयोनाइजेशन इंथैल्पी बिल्कुल उसी तरह से है ना, लेंथेनॉइड के तरह ही, हालांकि इसका थोड़ा सा कम होगा, क्यों कम होगा,
क्यों कम होगा? लेंथेनॉइड सिक्स पीरियड का है, एक्टिनॉइड्स सेवेंथ पीरियड का है, तो ऑर्बिट की संख्या अधिक हुआ, साइज थोड़ा बड़ा हो गया, एक्टिनॉइड लेंथेनॉइड की तुलना में एक्टिनॉइड का साइज बड़ा हो गया, तो थोड़ा साइज बड़ा होने से क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी तो घटेगा ना, ऊपर से नीचे डिक्रीज करता है ना, इसके वजह से वो घटता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अर्ली एक्टिनॉइड दो नॉट एक्यूरेटली नोन, शुरू का एक्चुअली हम बताए भी थे कि एक्टिनॉइड का बहुत सारा प्रॉपर्टी अभी तक पता भी नहीं है। हाउएवर जो आर लोअर देन दोज ऑफ अर्ली लेंथेनॉइड्स, दिस इज बिकॉज द आउटर इलेक्ट्रॉन आर लेस फर्मली हेल्ड एंड दे आर मोर रेडिली अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग इन एक्टिनॉइड्स। ठीक है, साइज बड़ा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट ज़्यादा है, इसके वजह से एक्टिनॉइड्स में जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूरी पर है, और ज़्यादा दूरी पर होने के वजह से वो ईजिली हटाया जा सकता है, तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी वही होगा, इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन होगा, कौन होगा, प्लस थ्री। लेंथेनॉइड का भी मोस्ट कॉमन स्टेट क्या था, प्लस थ्री। कुछ लेंथेनॉइड प्लस टू में थे और कुछ प्लस फोर में भी थे, और क्यों थे उसका रीजन हमने एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पर ये मोस्टली देखिए सब का प्लस थ्री में है, केवल थोरियम को छोड़कर, क्योंकि थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, ये थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन ये 5F0 और 6D2 और 7S2 और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन भाग लेता है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, ये दोनों भाग ले रहा है इसलिए 4 स्टेट में, ये 3 में जाता नहीं है। बाकी सभी देखिए अलग अलग, यहाँ पर 4 के अलावा 5 स्टेट में भी है, 6 में भी है, 7 में भी है, इसलिए कहा जाता है कि ये जो एक्टिनॉइड्स जो होते हैं उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बाकी की तुलना में, वो लेंथेनॉइड की तुलना में, लेंथेनॉइड में जो होता है वो क्या होगा, तो लेंथेनॉइड का कंडीशन क्या है कि उसमें प्लस थ्री, जनरली प्लस थ्री होता है, और क्या प्लस टू प्लस फोर, लेकिन इसमें प्लस थ्री के अलावा प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन स्टेट भी अवेलेबल हैं, इसलिए इसमें थोड़ा ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यहाँ पर अनलाइक लेंथेनॉइड्स ना, एक्टिनॉइड्स हो लार्जर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लेंथेनॉइड में प्लस टू प्लस थ्री और प्लस फोर, वो भी प्लस टू और प्लस फोर कुछ लेंथेनॉइड्स, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया कि ये प्लस थ्री से लेकर प्लस सेवन स्टेट तक जा सकता है। इसका कारण क्या है, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन 5F था, फिर 6D और 7S, इन तीनों के बीच एनर्जी का गैप कम है, इसलिए 7S का भाग लेकिन लेने के साथ साथ ये तो भाग लेगा ही, और लेंथेनॉइड में क्या था, 5F का इलेक्ट्रॉन भाग ले ही नहीं रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 7S 6D के साथ साथ 5F का भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेगा, और तभी इसमें प्लस सेवन तक ऑक्सीडेशन स्टेट पहुंच जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल आप लोग को डी ब्लॉक में बताए थे कि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बेड में बेड सीट बिछाते हैं कि आए और बेड में, घर से आए चार पांच बेड सीट लेके आए, बिछा दिए एक के ऊपर दूसरा तीसरा चौथा, पहला हुआ 10 दिन 15 दिन गंदा हुआ, उठा के बैग में रख दिए, अब नीचे वाला फिर है, फिर वो 15 दिन चला, तो 6 चादर में जितना दिन चल गया तब तक अगला छुट्टी आ जाता है, फिर सबको बैग में भर के लेके चला गया घर, और वहाँ से फिर धो करके लेके आ गया, है ना,
जनरली हम कुछ स्टूडेंट को ऐसा देखे हैं इस तरह से करते हुए, तो वहाँ क्या है, लगातार जो बिछा हुआ रहेगा, एक चादर को आप उठाइए तो देखिएगा उससे सटा हुआ दूसरा चादर भी उठने लगेगा, अगर जोर से उठाइएगा तो। यानी थोड़ा भी ज़्यादा एनर्जी दिए तो क्या होगा, दूसरा के साथ वो जो है उसके साथ साथ दूसरा भी निकल आएगा, तो वो गैप कम है वहाँ एनर्जी का। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि लैंथेनाइड में ये गैप ज़्यादा है, इसलिए लैंथेनाइड में 7s और 6d का ही इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा था, 5f के जगह 4f कब भाग ले रहा था, जब ये 5f7 यानी 4f7 में आ जाए या 4f14 वाले कंडीशन में आ जाए, है ना। जैसे मान लीजिए ऐसा आया कि 4f या 8 और 5d1 और या 6s2, तो इसका भाग ले लिया, इसका एक भाग ले लिया, अगर इससे एक चला जाता है 4f7 हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा, तब F का इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, अदरवाइज नहीं भाग लेता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पर दोनों के बीच गैप कम है, थोड़ा सा भी एनर्जी ज़्यादा देंगे 7s के साथ 6d और 5f का भी इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, इसीलिए लैंथेनाइड्स की तुलना में एक्टिनाइड्स ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफर करता है। ठीक है, द एक्टिनाइड्स रिजेंबल द लैंथेनाइड इन हैविंग मोर कंपाउंड्स इन +3 स्टेट देन इन +4 स्टेट। एक्टिनाइड और लैंथेनाइड में दोनों में कॉमन एक ये चीज़ है कि दोनों +3 स्टेट में ही ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। दोनों का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है, +3, और लैंथेनाइड में इसके अलावा बाकी दो ही है, +2 और +4, लेकिन एक्टिनाइड्स में +7 तक जा सकता है। केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद करते हैं आप? जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो गया एक्टिनाइड का लैंथेनाइड से, तो स्वाभाविक है इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बढ़ गया, और मेटल का रिएक्टिविटी एक ही चीज में देखा जाता है कि वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो मेटल इसका जब आयनाइज एनर्जी घटा तो इलेक्ट्रॉन तो जल्दी लूज कर पाएगा, तो इसलिए रिएक्टिव ज़्यादा होगा, तो एक्टिनॉइड्स आर मोर रिएक्टिव देन लैंथेनॉइड्स। व्हाट इज़ द रीजन, कहीं भी मेटल का रिएक्टिविटी कंपेयर करना हो गैस फेज में, तो एक ही रीजन है, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन जल्दी कौन लूज करेगा, जिसका आयनाइज एनर्जी कम होगा। ठीक है, तो द एक्टिनॉइड्स आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स बिकॉज ऑफ लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी, बताए दे आर जनरली मोर रिएक्टिव देन लैंथेनॉइड्स। हर जगह इसका कंपेरिजन लैंथेनॉइड से ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, लैंथेनॉइड्स कंबाइन विद मोस्ट नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के साथ लैंथेनॉइड कंबाइन करता है कब, हायर टेम्परेचर पे, देखिए है ना, नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है किस, एट हायर टेम्परेचर, लेकिन एक्टिनॉइड्स कंबाइन विथ नॉन मेटल एट मॉडरेट, इससे भी पता चलता है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाएगा तो ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए लैंथेनॉइड्स रिएक्ट विथ बॉइलिंग वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, और एक्टिनॉइड रिएक्ट विथ बॉइलिंग वाटर से रिएक्ट करता है लेकिन उससे ऑक्साइड और हाइड्राइड दोनों का मिक्सचर बनाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होने का एकमात्र कारण लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या होता है कि लैंथेनाइड में हम आपको बताए थे, ये लैंथेनाइड के केस में, लैंथेनाइड के केस में हमने बताया था कि वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है,
यानी कि लैंथेनाइड का पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होता है, और एक्टिनाइड्स भी वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड से, वो भी हाइड्रोजन देता है। तो लेकिन इसमें एक है क्या, ये एक्टिनाइड्स आर मोस्टली ओनली स्लाइटली इफेक्टेड, ठीक है, बाय नाइट्रिक एसिड बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। इसमें एक्टिनॉइड्स जो होता है, यहाँ पर एक्टिनॉइड्स जो होगा, यहाँ अधिकतर एक्टिनॉइड्स ये नाइट्रिक एसिड के द्वारा थोड़ा बहुत इफेक्टेड होता है, याद है आप लोग को, शायद ये जानते होंगे, पहले केमिस्ट्री में पैसिविटी ऑफ आयरन पढ़े हैं, पैसिविटी ऑफ आयरन या पैसिविटी ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम को नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड टूट कर नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन का एक लेयर जम जाता है, और वो एल्युमिनियम ऑक्साइड लेयर वो क्या करता है, काफ़ी हार्ड होता है, एंड इट डज नॉट अलाउ एल्युमिनियम टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी अदर सब्सटेंसेस, इसलिए वो जल्दी रिएक्ट करता नहीं है। ठीक है, आप देखे हैं ये एल्युमिनियम जो एक्चुअल रिएक्शन है, एल्युमिनियम को वाटर के साथ बॉयल करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग एल्युमिनियम का डेक्ची में चावल बनाते हैं तो पानी उबालते हैं कि नहीं, तो वो तो बर्तन ही ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ये एल्युमिनियम को फर्दर किसी से रिएक्शन करने से रोकता है। ठीक है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ठीक है, इसलिए एल्युमिनियम का बर्तन में कुछ चीज़ अगर भुजिया भूजते हैं और भूज करके वो ये होता है ना, वो छोलनी से एकदम खरोच खरोच के जो कढ़ाई में सट जाए, खरोच खरोच के निकाल के वो खाते हैं, बड़ा टेस्टी लगता होगा, लेकिन वो खरोच खरोच के निकाल के खाना नहीं चाहिए, वो एल्युमिनियम ऑक्साइड इफ़ इट्स इनटेक इज़ हाई, ग्रेजुअली इट विल डिपॉजिट ऑन योर ब्रेन, दैट मे कॉज अल्जाइमर। अल्जाइमर मतलब झेपूपन, आपको लेजीनेस लगेगा, आप पढ़ते रहिएगा नींद आएगा, ठीक है, वो अल्जाइमर जैसा इस तरह का प्रॉब्लम आएगा, है ना, अभी सबको लग रहा होगा, लगता है हम खाते होंगे, है ना, सबको ऐसा लगता होगा कि पढ़ते समय तो नींद आता ही होगा, है ना। तो एल्युमिनियम का वो ऑक्साइड का लेयर, उसी तरह आयरन में भी होता है, आयरन को अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराइएगा, थोड़ा सा रिएक्शन होगा, उसका रिएक्शन रुक जाएगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रिक एसिड टूटेगा HNO3 तो टूट करके बनाएगा NO2 प्लस H2O प्लस O, और ये ऑक्सीजन आयरन के ऊपर एक लेयर बना देगा, ऑक्साइड का लेयर, एंड दिस विल नॉट अलाउ द आयरन टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ एसिड एंड द रिएक्शन विल स्टॉप, रिएक्शन रुक जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर एक्टिनॉइड्स बनाता है नाइट्रिक एसिड के साथ। एल्कलीज हैव नो एक्शन अपॉन एक्टिनॉइड्स, और ये पॉइंट यहाँ पर यूजफुल है, द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड एलिमेंट इज नॉट सो स्मूथ एज दैट ऑफ लैंथेनाइड। हम बताए थे ना कि लैंथेनाइड के तरह, लैंथेनाइड से एक्टिनॉइड का केमिस्ट्री थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये आपको पेरियोडिक टेबल में भी NCERT में ये बात लिखी हुई है, द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन लैंथेनॉइड्स। ठीक है, तो उसका वहाँ रीजन नहीं लिखा है, है ना, तो यहाँ पर हमने उस रीजन को लिख दिया है, क्या कारण है कि अधिकतर एक्टिनॉइड्स कैसे होते हैं,
रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और सब के सब रेडियो एक्टिव है. द अर्लियर मेंबर्स हैव रिलेटिवली लॉन्गर हाफ लाइफ, बट द लेटर बाद वाले जो है वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ रेंजिंग फ्रॉम 3 मिनट टू अ डे, 3 मिनट से एक दिन, मतलब इतना में आधा ख़त्म हो जाता है. तो रेडियो एक्टिव ज़्यादा है, ठीक है. दे डिके कंटिन्यूसली एंड स्पॉन्टेनियसली एंड हेंस देयर प्रिपरेशन स्टडिंग देयर प्रॉपर्टीज इज ए डिफ़िकल्ट टास्क. इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा कि उतना कम समय में हम लोग उसका स्टडी नहीं कर पाते हैं, ठीक है. तो ये एक रीजन है एक्टिनॉइड के केमिस्ट्री के कॉम्प्लिकेटेड होने का. दूसरा कि एक्टिनॉइड्स में क्या होता है, ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उसे 5F6D और 7S के बीच एनर्जी गैप कम होने के वजह से उसमें सारे इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे एंड इट कैन गो अप टू +7 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इसलिए इसका केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है. तो ये हो गया आपको किसके एक्टिनॉइड्स के बारे में. दिस इज ऑल अबाउट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ख़त्म हो गया, ठीक है. अब अगले क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स.